हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम आधार एप्लीकेशन से हम फ्री में किस तरीके से अपना पीवीसी यानी कि प्लास्टिक आधार कार्ड मंगवा सकते हैं। तो मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है, आप भी लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पर हमें मिल जाएगा पीवीसी, ठीक है, जो कि आपको ऊपर में ही देखने को मिल गया है, ऑर्डर पीवीसी कार्ड, ठीक है। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब ये हमें बता रहा है कि 50 रुपये हमें देने होंगे, बिल्कुल देने होंगे भाई साहब, पर हम मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप यहाँ पर फ्री में पा सकते हैं। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे टर्म कंडीशंस को, और उसके बाद में हम यहाँ पर ओके कर देंगे। तो चलिए हम सिंपली यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में अब ये बोल रहा है कि आधार नंबर के ज़रिए करना चाहते हैं, तो हाँ हम आधार नंबर के ज़रिए भी कर लेंगे यहाँ पर, और आप उसके भी ज़रिए यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नंबर के ज़रिए भी कर सकते थे। तो ऊपर में आपको आधार नंबर कैप्चा कोड को ही यहाँ पर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इन सारी जानकारी को फिल कर देता हूँ, और उसके बाद में हम रिक्वेस्ट ओटीपी पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर कैप्चा कोड को डाल दिया है, और मोबाइल नंबर डालकर मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में अब जो मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होगा उस पर वन टाइम यानी कि ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। तो जैसे कि 4643, तो ठीक है, मैं यहाँ पर 4643 को अभी एंटर कर देता हूँ, 4643। उसके बाद में हम वेरीफाई पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे ही वेरीफाई पर हम सिंपली क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पर इन टर्म कंडीशंस को आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं पेमेंट के लिए, तो इसे आपको टिक कर देना है। और उसके बाद में आपको मिक पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सिंपली क्लिक कर देते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर कुछ देर प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट करने के मेथड आ जाएंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पर कार्ड या फिर नेट बैंकिंग UPI इनमें से आप किसी से भी कर सकते हैं, पर आप वॉलेट से करें। वॉलेट से करने के बाद में आपको यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि फ़ोनपे है, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एयरटेल पेमेंट वाले पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ। अभी पहले मैं यहाँ प्रोसीड पे सिंपली मैं पहले एयरटेल वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं एयरटेल से भी पेमेंट हो जाएगी, और उसके बाद में मैं फ़ोनपे पर सिंपली क्लिक करता हूँ, और फ़ोनपे पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड एंड पे, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। हो जाए यार, क्लिक नहीं हो रहा है। क्लिक होने के बाद फिर प्रोसेसिंग होगी, कुछ सेकेंड चलेगी आपकी। और उसके बाद अब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि किस तरीके से आपको फ्री देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप UPI ID भी डाल सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल नंबर के भी जरिए यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो UPI के जरिए तो दुनिया बताती है, चलिए मैं आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर के ही जरिए बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर यानी कि एक वाउचर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, और सेंड ODP पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में अब फिर से हमारे मोबाइल नंबर पर एक बार वन टाइम OTP जाएगा, जो कि आप ऊपर में देख पा रहे हैं 03, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और यहाँ पर हम वेरीफाई एंड लॉगिन, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आएगा जैसे कि वॉलेट गिफ्ट वाउचर, ठीक है। तो वो वॉलेट गिफ्ट वाउचर पर सिंपली क्लिक करके और आपको यहाँ पर कर देना है ओके, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी प्रोसेसिंग होगी और आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगी, तो जो आपका फ़ोनपे से यानी कि पैसे भी नहीं कटेगा, और जो आपको वाउचर मिला है उसी के ही जरिए आप यहां पर आधार कार्ड को मंगवा पाएंगे। अपनी स्लिप को यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए जो आपको कैप्चा कोड आपको यहां पर देखने को मिल गया है वो आपको यहां पर एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहां पर एंटर कर देता हूं, और स्लिप पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सिंपली क्लिक कर देते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में हमें 3 डॉट पर सिंपली क्लिक करना है, और हमें यहाँ पर मिलेगा प्रिंट का ऑप्शन, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, और उसके बाद में हम यहाँ से PDF पर सिंपली क्लिक करेंगे, और ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर नेम भी चेंज कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर सेव कर देंगे। स्टेटस चेक करने के लिए आपको SR नंबर के सिंपली क्लिक करना है, यानी कि आपको कॉपी कर लेना है, फिर आपको अपने आधार वाली जो एप्लीकेशन है उसी में आपको जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ आधार, उसके बाद में हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद मैं इसे बैक कर देता हूँ, होम पर आ गए। उसके बाद में चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, ठीक है, तो हमारे पास SR नंबर है, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम SR नंबर को डालेंगे,
और तो मेरा यहाँ पर कैप्चा कोड यानी कि शो हो रहा है, चलिए अब डाल देते हैं ऐसा नंबर, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे और चेक स्टेटस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पेमेंट है वो आपकी कंप्लीट दिखा रहा है, ठीक है। और जो आपका आधार कार्ड है वो 10 से 15 दिन में स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पर जो आपका एड्रेस होगा आधार में उसी पते पर पहुंचा दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना।